वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गाइस इट्स मी हरिका मेहता। कैसे हो आप सब? मैंने इतने दिन से कोई ब्लॉग इसलिए अपलोड नहीं करा क्योंकि मेरे को टाइफाइड हो रखा है, और आज इसलिए अपलोड करा क्योंकि हम गुरुद्वारे जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के। अरे करूँगी अभी अपलोड, अभी हम मेरी फ्रेंड और मैं गुरुद्वारे जा रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली में मॉल टाउन के पास में गुरुद्वारा है नानक प्याऊ, वहाँ जा रहे हैं। तो इसीलिए बाकी अब चलते जाएंगे तो आप देखते जाना, मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे सारा कि क्या है, कितना पुराना है। और बताना भूल गई मैं कि मैंने मेरा इंट्रोडक्शन स्कूटी पे क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि हम लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, इसलिए घर पे स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए आपको हवाओं में उड़ते उड़ते मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हुई दिखूंगी। अच्छा लग रहा है ना, इतना सुकून मिल रहा है। मतलब पता है मैंने ना ये चीज़ नोटिस करी कि आप किसी घूमने उमने वाली जगह पर जाते हो पर वहाँ पे जाके ना थोड़ा ऐसा सही हो जाता है नहीं, पर अगर आप ऐसे किसी होली प्लेस पर जाते हो ना, ऐसे मंदिर हो गया या गुरुद्वारा हो गया, तो यहाँ पर एक अलग ही सुकून मिलता है कि नॉर्मल लाइफ से थोड़ा वो हो गया, मतलब एक ब्रेक सा मिल जाता है नॉर्मल लाइफ से। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अभी बस हम गुरुद्वारे के सामने बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अभी हम जाएंगे सेवा घर, वहाँ पे सेवा करेंगे थोड़ी सी, फिर बस घर चलेंगे प्रसाद लेके। अगर आप लोग भी आना चाहो तो ये बहुत अच्छी जगह है। एक ये गुरुद्वारा है नानक प्याऊ साहिब और एक बंगला साहिब है। बंगला साहिब है सीपी राजीव चौक साइड पे, वो इससे थोड़ा और बड़ा है। अच्छा लग रहा है पता है बहुत। एक और यहाँ, ये तो नानक प्याऊ साहिब है और एक और गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, वहाँ सीपी साइड पे राजीव चौक से आप मेट्रो से जाओगे तो आपको आपके एरिया में अलग अलग स्टेशन होंगे। मेरे यहाँ से तो पास पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता, पास भी नहीं पड़ता। ठीक है चलो, अभी हम सेवा करने बैठ के बात करते हैं तो बताएंगे। बाय। हमने अच्छे से दर्शन कर लिया, अच्छे से मतलब बिल्कुल अच्छे से हो गया सब कुछ। अभी हमने कड़ा भी लिया है, ये रहा न्यू लिया। अभी हम बस घर जा रहे हैं मेरी फ्रेंड और मैं, पेट्रोल भरवा के फिर हम घर जाएंगे। अगर आपको आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अभी देखते हैं कहाँ, अगर बीच में कुछ खाने पीने का, खाना पीना तो नहीं कर सकते यार, मैं बीमार हूँ। घूम फिर के तो मैं पेट्रोल पंप पे आ जाती हूँ।
करना है तो पानी से चलेगी नहीं ना, उसे कंट्रोल डालना पड़ता है। अभी अभी हम घर पहुंचे, थक गए, मजा आया बहुत। प्रसाद नहीं मिला यार, प्रसाद खत्म हो गया आते आते एंड में। बाकी अभी हम थोड़ा सोच रहे हैं कि छत पे जाके ऐसे, इसकी वजह से प्रसाद भी खाने में मिला मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अरे तो मेरे को नहीं, अरे प्रसाद खत्म हो गया तो उनको वो बना के रखते हैं वैसे ज्यादातर एक्स्ट्रा। हाँ तो अभी हम सोच रहे हैं हम छत पे जाएंगे पानी वानी पी के, और इसमें ये और मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, है ना। देखो मेरे को टाइफाइड है तो मेरे को डॉक्टर ने मना करा खाने से, मेरे को तरसा तरसा के खा रही है। ये तो सिर्फ रसना की ऐड नहीं करते। हम नोएडा के छत पे आए हैं, हमेशा की तरह सुंदर सी। पता है इस छत से मेरी काफी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग यहीं से हुआ था, तो मैं अगर आगे जाके कुछ अच्छा बन गई तो मैं इसी छत के मुताबिक बनूंगी। व्लॉग इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप सब भी बताना कि आपको गुरुद्वारे जाके कैसा लगता है, अंदर से मन को शांति मिलती है नहीं मिलती। नोएडा और मैं बस कर ही जा रहे हैं अपने, नोएडा का घर है ये, हमेशा इसी के साथ वीडियो बनाती दिखती हूँ मैं। तो यही तक था, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, जो अच्छी चीजें कर सकते हो करना प्लीज। और अगर कोई मिस्टेक लगे तो बच्चा समझ के माफ कर देना, क्योंकि मैं क्या हूँ, न्यू यूट्यूबर हूँ। ओके बाय। हाँ तो मैं एक चीज बताना भूल गई थी कि मैं इतने दिन से व्लॉग्स अपलोड क्यों नहीं कर रही थी। मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पा रही थी रेगुलर, क्योंकि मेरे को टाइफाइड हो गया था। पहले से टचवुड बेटर है, काफी बेटर है। अब आप लोग अपनी बेस्ट विशेष दो कि और अच्छा हो जाए, अच्छा क्या खत्म ही हो जाए, पूरा ठीक हो जाऊं मैं, ताकि मैं और अच्छे से व्लॉग पोस्ट कर सकूं रेगुलरली और कंसिस्टेंट हो जाऊं वापस से। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फिर से। Bye-bye.